नमस्कार, मैं हूं प्रफुल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। और हमारे साथ रंजीता रंजन जी मौजूद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खैर, परिचय पर नहीं जाएंगे, सत्याग्रह चल रहा है और ईडी ने राहुल गांधी को समन भेजा है उसके खिलाफ और अग्निपद के खिलाफ में। तो सत्याग्रह का मेन मोटो क्या है? आपसे पूछती हूँ, आप भी नौकरी चाहते हैं, आप मीडिया में हैं, आपको कोई बोले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे साल के लिए नौकरी कर लो, दो साल के लिए, तो आप करोगे? और दूसरी बात सबसे अहम है कि हमारी वर्ल्ड क्लास फौज है, वन पेंशन वन रैंक के मुद्दे पर आप सरकार में आए, अब आप ऐसी तकनीक ला रहे हो कि चार साल युवाओं को झुंझुना पकड़ाओगे, अग्निपथ पे भेजोगे और चार साल के बाद 23 का होते होते उस व्यक्ति को रिटायर कर दोगे, फिर बोलोगे आपको जो काम करना है करो, तो पकौड़े तलने के अलावा आपके पास रह क्या जाएगा? आज जिस सिचुएशन में फौज को, क्या आपको लगता है जो वर्ल्ड क्लास हमारी फौज है उस पर कॉन्ट्रैक्ट बेस से लोग आएंगे? और क्या आपको लगता है कि युवाओं ने मोदी साहब को 2014 में जब सत्ता पे बैठाया था इसलिए बैठाया था कि आप ठेकेदारी प्रथा और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप फौज को भी नीलाम करो? आज उसके खिलाफ अग्निपथ है। इन सारे मुद्दे, GST हो, नोटबंदी हो, कृषि कानून हो, आज आर्थिक मंदी हो, ये सारे मुद्दे लगातार कांग्रेस उठा रही है। राहुल गांधी जी ने इस पे सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसका कारण है कि आज लगातार उनको हरास किया जाए। बीजेपी का तर्क है कि हम अग्निपथ योजना या सेना में जो भी रिफॉर्म, नया रिफॉर्म ला रहे हैं वो बदलाव के लिए ला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ला रहे हैं। अरे बदलाव किसको समझ आ रहा है? GST व्यापारियों को समझ नहीं आया, नोटबंदी जो एक्सपर्ट है इकोनॉमिक्स के उनको समझ नहीं आया, कृषि कानून कानून को किसान को समझ नहीं आया, और आज जो अग्निपथ ले किसके लिए रहे हो आप? ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, देश के बॉर्डर पर लड़ने वाला जवान है जो 15 साल सिर्फ नौकरी करता है, एक तरफ आप पेंशन नहीं दे रहे हो और दूसरी तरफ आप फौज को भी क्या अडानी अंबानी को बेचने का काम करोगे? ये बहुत ही, ये सिर्फ इन्होंने एक वाइटल इशू नहीं किया, ऊपर से डिफेंस और होम मिनिस्टर बोल रहा है कि वहाँ से जो निकलेंगे हम उनको 10% नौकरी देंगे। क्या खैरात बांट रहे हो क्या युवाओं को? आप युवाओं को अपने पॉकेट से नौकरी दे रहे हो क्या? या आपकी जो नीति है सरकार चलाने की वो फेलियर है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। सर, आप लोग का सत्याग्रह चल रहा है, जन सत्याग्रह, एक तो ईडी के समन के खिलाफ है, अब दूसरे का और मुद्दे आ गए हैं अग्निपथ, अग्निवीर, लेकिन बीजेपी इसके फायदे गिना रही है, कांग्रेस इसके नुकसान गिना रही है। हमेशा बीजेपी ने जब किसान बिल लाए थे तब भी फायदा गिना रहे थे, इन लोग पूरा देश भर जो डंका बच के घूम रहे थे, अभी नया दोबारा जुमला दिया है अग्निपथ। मैं समय इनको पूछना चाहता हूँ, यही जो बीजेपी था वन मैन वन रैंक वन मैन वन पेंशन की बात किया था, जो नया जुमला के वजह से नो रैंक नो पेंशन, देश का युवा को टेंशन देने का काम ये सरकार ने किया है, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है जुमला के अलावा। और झूठ बोलने का आदत है, इन लोग इतने झूठ बोलते हैं, पता नहीं होता है इनको क्या कब क्या बोले है करके, उसको लेके कहीं ना कहीं ये सरकार को समझना चाहिए इस देश का युवा के बारे में वो क्या चाहता है। तो युवाओं को सोच के ही तो बीजेपी बोल रही कि हम स्कीम लाए हैं, 4 साल नौकरी करो, 12 लाख रुपये लो, फिर बिजनेस करो, या फिर 10% आरक्षण है आपका। देखिए, यही जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, अम्मा हमारा कार्यालय में आके सिक्योरिटी का काम करो, इंडियन आर्मी को बेइज्जती का करने का काम क्यों कर रहे हैं आप लोग? बचपन से एक सोच होता है, एक उम्मीद होता है, एक सपना होता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, इस देश का सेवा करे, इस देश के लिए लड़ाई लड़े, इस देश के लिए ऐसे समय आए शहीद हो जाए, तो ऐसे सपना लेके आता है, 5 साल से तैयारी कर रहे थे। तो अभी कोरोना की वजह से कोई अभी तक इन लोग ने किसी को लेना नहीं हो पाया, अभी इसीलिए तो इतना बड़े लेवल पे बढ़ गया, तो इसीलिए एक नया स्कीम लेके आया है, ये स्कीम नहीं चलेगा। ये क्या कि नहीं चलेगा, मतलब देखिए 4 साल के बाद क्या करेगा, 2 साल इनके ट्रेनिंग में चले जाते हैं, 2 साल ड्यूटी लगता है, जो असली ड्यूटी समय स्टार्ट होगा तब आप बार कर देगा, कहाँ जाएगा ये लोग बताओ ना, कहाँ जाएगा? इनके इनका मंत्री बोला है ना बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी का काम देंगे करके, वहाँ जाके सिक्योरिटी काम करे, बाकी इंडियन आर्मी में काम करके, BSF में, CISF में, ये तमाम जगह पे अभी क्यों नहीं दे रहे? अभी क्यों नहीं दे रहे? डायरेक्ट अभी दे दो, अभी क्यों नहीं दे रहे आप लोग? अभी क्या नया है? इनके ऑफिसर्स बोल रहे BSF से, वो आर्मी का है, जो जो इस आंदोलन में थे किसी को हम लोग ने
एडमिशन नहीं देंगे, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये डेमोक्रेसी है, वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको राइट्स है, अपना बात उठा सकते हैं, आपका आवाज़ उठा सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं। क्या कर रहे हैं लोग ने, संविधान को इन लोग ने ख़त्म करने में लगे है।